ऑस्ट्रिया में जयशंकर की गरज से हिल गया यूनाइटेड। भारत ने यूएन रिफॉर्म पर फिर ठोका दावा। रुचिरा कंबोज के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने यूएन की उधेड़ी बखिया। यूएन के महासचिव का आया बयान, जल्द करना पड़ेगा रिफॉर्म। रूस ने रोके पूरी दुनिया के शिप, तो भारत के विदेश मंत्रालय का आया बड़ा बयान, दुनिया में मची खलबली। कई महीनों से शांत रहे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आखिरकार 77 साल पुराने संगठन संयुक्त राष्ट्र को लेकर फिर से गरजना शुरू कर चुके हैं। पिछली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड नेशन को लेकर पूरी दुनिया के सामने तीखे बयान दिए थे, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन को ना चाहते हुए भी भारत की ओर ध्यान देना पड़ा था। अभी पिछले ही महीने भारत की संयुक्त राष्ट्र से अस्थायी सदस्यता खत्म हुई है, लेकिन फिर भी भारत के विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन को लेकर अभी भी अपना तर्क रवैया पेश कर रहे हैं। एस जयशंकर पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में, तो इस बार ऑस्ट्रिया में यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर हमला बोले हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री 31 दिसंबर को साइप्रस पहुंचे थे और अब वहां से ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त राष्ट्र को लेकर फिर से कई टिप्पणियों को किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 77 साल पुराने संगठन संयुक्त राष्ट्र को नया रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में इससे बड़े बदलाव के लिए संयुक्त राष्ट्र पर दबाव डालना यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। यहाँ तक तो जयशंकर जी के द्वारा दिए गए बयान साधारण लग रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा, यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल भारत का इतिहास रहा है, हमेशा गलत को गलत और सही को सही ही कहा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब विदेश मंत्री ने कहा कि आप ऐसे कोई भी चीज बताइए जो 77 साल पहले शुरू हुई हो और आज तक उसमें आपको सुधार की जरूरत ना पड़ी हो, यानी कि उन्होंने कहा कि जो चीजें पुरानी हो जाती हैं उनमें सुधार करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो यूनाइटेड नेशन में आखिरकार क्यों रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जयशंकर अपने आगे के बयान यूनाइटेड नेशन को लेकर बताते हैं कि उन्होंने इसके स्थायी देश यूनाइटेड नेशन के बदलाव के पक्ष में शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि जो प्रभावशाली हैसियत रखते हैं वे स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव को कम होते नहीं देखना चाहते। ऐसे में हम लोगों को उस परिवर्तन के लिए कैसे राजी कर सकते हैं जो अपने अल्पकालिक फायदों के कारण पुरानी प्रणाली से चिपके रहने के लिए मजबूर है। दरअसल उन्होंने अपने बयानों में सीधे तौर पर रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन की दोहरी नीति को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म ना किए जाने की वास्तविकता यही है। इसमें शामिल सभी स्थायी सदस्य देश जिनको वीटो पावर प्राप्त है, वे अपने समानांतर किसी और दूसरे देश को खड़ा होता नहीं देखना चाहते हैं। उधर अभी हाल ही में भारत की स्थायी सदस्यता भी यूनाइटेड नेशन में खत्म हो चुकी है और अब दोबारा भारत 2028-29 में नजर आएगा, लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रिया में जो कुछ भी भारतीय विदेश मंत्री ने कहा वे अपने आप में यूनाइटेड नेशन को अलर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन में परिवर्तन कराना यह भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। दरअसल भारत जानता है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म रातों रात नहीं होने वाला, इसके लिए कई साल और इंतजार करने पड़ेंगे, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि यूएन में रिफॉर्म करना, भारत को स्थायी सदस्य बनाना और वीटो पावर देना यह भी फिलहाल बहुत जटिल काम है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये एक दिन जरूर सफल होंगे। पिछले कुछ महीनों से भारत ने यूनाइटेड नेशन के उच्च अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के महासचिव गुटेरेस को भी सामने आकर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से जुड़े बयान देने पड़े थे। उन्होंने कहा था कि पिछली बार की बैठक में रूस और अमेरिका की ओर से सहमति मिल चुकी है कि यह दोनों देश अब यूनाइटेड नेशन में बदलाव और नए सदस्यों को शामिल करना चाहते हैं। वहीं चीन इकलौता ऐसा देश है जो भारत के वीटो पावर का और स्थायी सदस्य बनने का हमेशा ही विरोध करता है। यूनाइटेड नेशन में बाकी के चार देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भारत को स्थायी सदस्य बनाने पर सहमति जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी चीन भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के करोड़ों लोगों के टेबल पर खाने में क्या होगा, यह रूस और यूक्रेन काफी हद तक मिलकर तय करते हैं।
दुनिया में गेहूं की कमी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पैदा होने वाले गेहूं की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल लोगों का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। इसी के चलते रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई थी उसी वक्त इस समस्या से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन के महासचिव गुटेरेस को रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के लिए तुर्की आना पड़ा था, जिसके चलते रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ कि वे अनाजों की सप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अचानक से अभी पिछले महीने रूस ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था, तो अब यहाँ पर फिर से भारत की एंट्री हो गई है। यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया के कई देश भारत से दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारत अपनी तटस्थता को बनाए रखा है। रूस पर G20 के द्वारा ऑयल प्राइस कैप लगाया गया, लेकिन फिर भी भारत रूस से ऑयल की खरीदारी जारी रखा है। तो अब रूस ने यूनाइटेड नेशन के द्वारा कराए गए जिस समझौते को मानने से इनकार कर दिया है, उसी समझौते में भारत को भी शामिल होने की खबर आ रही थी, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है। दरअसल आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के मध्य ग्रीन कॉरिडोर का समझौता हुआ था और यह समझौता ब्लैक सी से संबंधित है। आखिरकार अमेरिका क्यों भारत को ग्रीन कॉरिडोर में शामिल करना चाहता है, इसे जानने के लिए आपको पहले ग्रीन कॉरिडोर की क्या कहानी है उसे समझना होगा। दरअसल भले ही दुनिया बहुत बड़ी हो, लेकिन पूरी दुनिया को रूस और यूक्रेन मिलकर एक चौथाई हिस्सा गेहूं की सप्लाई करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के लिए केवल मुट्ठी भर लोग ही यह तय करते हैं कि उनकी टेबल पर खाने में रोटी होगी या चावल। उधर जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई, खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छूने लगी। अब अनाजों की बढ़ती कीमत की समस्या का हल करने के लिए यूनाइटेड नेशन को आना पड़ा है। इसी साल जुलाई के महीने में काला सागर अनाज पहल पर रूस और यूक्रेन ने दस्तखत किए। आपको बता दें कि काला सागर के बॉर्डर को रूस और यूक्रेन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से साझा करते हैं। इसी काला सागर के जरिए रूस और यूक्रेन दोनों अपने सामानों का आयात और निर्यात करते हैं। काला सागर से होकर मरमरा सागर से होते हुए भूमध्य सागर में सामानों को लेकर ट्रांसपोर्टेशन शिप आगे बढ़ती है। रूस और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान क्रीमिया शहर भी है जो काला सागर से जुड़ा हुआ है, जिस पर अब रूस ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में यूक्रेन से जा रही किसी भी शिप पर रूस हमला कर सकता था। इसी समस्या से यूक्रेन को बचाने के लिए रूस के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशन ने अनाज गलियारे का समझौता किया था। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य यूक्रेन के अनाजों का सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्टेशन करना था, लेकिन यह समझौता केवल 3 महीनों के लिए था, जो नवंबर में खत्म हो चुका है। वहीं अब जब यह समझौता यूनाइटेड नेशन के द्वारा कराया जा रहा था, उस वक्त यह तय किया गया था कि 3 महीनों बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा या फिर इसका विस्तार किया जाएगा। उधर यूक्रेन इस समझौते का विस्तार चाहता है, लेकिन अभी हाल ही में अचानक रूस ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका ने रूस का जबरदस्त विरोध किया। और अमेरिका का कहना है कि रूस गेहूं को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। बीते कल जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से पूछा गया कि क्या वे भारत यूक्रेन अनाज गलियारे में शामिल होने जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है और हम द्विपक्षीय रूप से दक्षिण के देशों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।